नमस्ते फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल प्रियंका सिंपल गार्डनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बुगनवेलिया की कटिंग को हम कैसे इस सीजन में ग्रो कैसे लगाएं, कटिंग कैसे लगाएं। तो ये मेरे पास 3-4 कटिंग थी, लेकिन इसकी जो है बहुत ज़्यादा हार्ड कटिंग नहीं है, जो एकदम टफ वाली है, ये बहुत ग्रीन ग्रीन सी है। तो इसको हम कैसे लगाएंगे तो ये देखते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया है, इसमें आधी किचन सॉइल और गार्डन सॉइल, आधी जो है अपनी किचन सॉइल को मिक्स करके सैंड में लगा, और इसमें थोड़ा सा एक हल्दी डाल दिया है इसमें एक पिंच के करीब। दोनों ही मेरे पास ये वेस्ट कंटेनर पड़े थे, इन दोनों को ही मैंने इस तरह से लगा लिया है। और फिर मैंने क्या किया, एलोवेरा को ऐसे करके इसके में एलोवेरा को ऐसे करके डाल करके इसमें से लगा दिया है। और ये हम सीधे इसको ऐसे मिट्टी में दबा देंगे। एलोवेरा जो होता है वो बहुत अच्छा एक रूटिंग प्लांट्स के लिए, एक रूट बनाने के लिए बहुत अच्छा, और ये इसमें जो है एक फंगिसाइड और दोनों का ही काम करता है, जिससे मिट्टी में कोई भी ऐसी बैक्टीरिया जो प्लांट्स की कटिंग को ख़राब कर सकते हैं वो उससे ये इसको बचाता है प्लांट्स को की कटिंग को। तो ये हमने ऐसे इसको लगा दिया और फिर ऐसे लगा देंगे, फिर सेकेंड वाली भी ऐसे। और जब भी आप कटिंग लो तो इसके क्रॉस में क्रॉस टाइप की कटिंग करो, जैसे ऐसे। तो ये हो गया। और अब मैंने क्या किया है, इसको हल्दी में भी कर दिया है। देखिए हल्दी में भी ऐसे लगा के फिर मैंने इसको ऐसे लगा दिया, दोनों मतलब दोनों ही चीज़ें मैंने कर दी है। तो ये देखिए कि ऐसे है, तो मैंने इसको ऐसे सीधे करके ऐसे सीधे लगा करके और फिर सीधे मैंने इसको ऐसे लगा दिया है। आप भी ऐसे लगाओ, डेफिनेटली आपकी कटिंग ज़रूर ग्रो होगी, चलेगी। और ये देखते हैं, क्योंकि धूप इस टाइम तो बारिश बहुत कम हो रही है इधर। और ये ऊपर से मैंने क्या किया, इसको हल्दी से ऊपर से और एक ड्रॉप पानी इसमें डाल देंगे। ऐसे ही मैं दूसरी वाली भी ऐसी सेम कंडीशन में दूसरी वाली भी ऐसी ही लगेगी। तो दूसरी कटिंग का तो मैंने अभी एलोवेरा नहीं तोड़ा था, बस दो ही कटिंग के लिए ही तोड़ा था। तो इसको भी दूसरी को भी हम ऐसे लगाएंगे। और प्लस आप इसको क्या कर सकते हो, ऊपर से प्लास्टिक, अगर आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो ऊपर से प्लास्टिक करके इसको धागे से बांध दीजिए या किसी भी चीज़ से टाइट से बांध दीजिए, और उसमें जैसे मॉइस्चर बना रहेगा। नहीं तो आप शेडी एरियाज़ में भी रख सकते हैं, अगर आपके पास बड़े प्लांट हो तो धूप अगर ज़्यादा हो रही हो तो वो वहाँ उसके नीचे रखिए, ये ग्रो हो जाएगा अच्छे से धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स ये थी, और जब भी आप कटिंग लगाएं तो हमेशा इसको शेडी एरिया में ही रखें, और पानी जब ज़रूरत हो, जब इसकी मिट्टी जो है पूरी सख्त बहुत ज़्यादा मतलब हल्का मॉइस्चर रहे तब बहुत पानी देनी, तो नहीं देना पानी नहीं देना है, नहीं तो इसी फिर इसकी कटिंग जो है सड़ने लगेगी नीचे से। तो ये थी फ्रेंड्स पूरी जानकारी बुगनवेलिया की कटिंग को कैसे हम लगाएं। और मेरा ये एक तो एक्सपेरिमेंट है इस सीज़न में, क्योंकि यहाँ तो बारिश हो नहीं रही है, तो देखते हैं क्या होता है इसका रिज़ल्ट। तो अगर आपको मेरा जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।